अभीरा और अरमान पहुंचे हैं कोर्ट। जी हाँ, अभीरा और अरमान की डिवोर्स फाइल पहुंच चुकी है कोर्ट और होने वाला है अभीरा और अरमान का डिवोर्स। वेल, दादी सा ने की है काफ़ी कुछ। चलिए, क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टीवी न्यूज़ की इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड होने वाले हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल, जैसा कि मैं आप सभी को बता दें कि दादी सा ने फैसला कर लिया है, वो किसी भी हाल में अभीरा और अरमान का डिवोर्स कराएंगी जल्द से जल्द। नहीं तो अभीरा को अरमान कभी भी डिवोर्स नहीं देगा और अभीरा हमेशा के लिए इस घर में रह जाएगी। जिसके बाद अब पेपर्स मिलेंगे दादी सा को, क्योंकि अरमान लाकर देगा वो पेपर दादी सा को। अरमान को पेपर मिल चुके हैं जो कि गिटार में छुपाए गए थे, जिसके बाद अब दादी सा कहेंगी अरमान को वो पेपर साइन करने के लिए। अरमान साइन कर देगा वो पेपर्स के बाद दादी सा जाएंगे अभीरा के पास और अभीरा से कहेंगे मेरे लिए पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जिसके बाद दादी सा अभीरा को डिवोर्स पेपर देंगी और साइन करने के लिए बोलेंगी। अभीरा बहुत झिझक कर लेकिन उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। जिसके बाद दादी सा अभीरा को ये ऑर्डर देंगी कि तुम्हें कोर्ट में झूठी गवाही देनी होगी कि तुम दोनों की शादी ज़बरदस्ती हुई थी, नहीं तो तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हो पाएगा। वो लम आपको बता दे, अभीरा कभी भी झूठ नहीं बोलती क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि हमेशा सच का साथ दो। जिसके बाद अब दादी सा ये बोलकर और धमका कर अभीरा को वहाँ से निकल जाती हैं और एक ब्लैंक चेक भी थमाती हैं। बोलती हैं तुम्हें जो अमाउंट भरना है भर लो, लेकिन कोर्ट में जो तुम मैंने गवाही कही है तुम वही बोलोगी। क्योंकि दादी सा को लगता है अभीरा है पैसों की लालची, इस वजह से पैसे दे के दादी सा वहाँ से निकल जाती हैं और दादी सा को लगता है उनका काम बन गया। जिसके बाद अब पहुँचेंगे अभीरा और अरमान कोर्ट में और अब अभीरा कोई भी झूठी गवाही नहीं देगी। जी हाँ, अभीरा जो जो बात सच है वही जज से बोल देगी और अभीरा और अरमान काफ़ी ज़्यादा झिझकते होंगे क्योंकि इन दोनों को नहीं चाहिए है डिवोर्स। जिसके बाद अब जज साहब ऐसा फैसला सुनाएंगे जिसके बाद अभीरा और अरमान दोनों ही शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, जज साहब ये बोलेंगे कि 6 महीने तुम दोनों को एक साथ रहना है, अगर तुम दोनों के रिश्तों में तब भी कोई होप नहीं आई तब तुम दोनों का डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम दोनों को 6 महीने एक साथ ही रहना है। वेल, अब आने वाले एपिसोड होने वाले हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।